सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक जारी है। किसानों के मुद्दे पर अमित शाह के घर पर बैठक की जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद है। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, अमित शाह के घर पर बैठक जारी है, किसानों के साथ बैठक पर हो रही है चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर किसानों को लेकर बैठक जारी है, किसानों के साथ बैठक पर चर्चा की जा रही है। यहां पर कृषि मंत्री के साथ साथ पीयूष गोयल भी मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक है। किसानों के मुद्दे पर अमित शाह के घर पर बैठक। बता दें कि कल सरकार के साथ किसानों की बैठक थी, जिसमें ये बैठक बेनतीजा निकला था। उसके बाद 3 दिसंबर को फिर एक बार बैठक की बात कही गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद हैं। किसानों के साथ बैठक पर चर्चा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, लगातार 7वें दिन किसानों का प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक की जा रही है। किसानों के मुद्दे पर अमित शाह के घर पर ये बैठक की गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में मौजूद है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, किसानों के साथ बैठक की चर्चा हो रही है अमित शाह के घर पर, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, अभी इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और साथ में ही कंज्यूमर अफेयर्स और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल मौजूद हैं। कल इन दोनों मंत्रियों ने किसानों के 35 संगठनों से बात की थी और उन्हें केंद्र सरकार का रुख समझाया था। उन्हें ये कहा कि कैसे केंद्र सरकार चाहती है कि एक कमेटी का गठन हो, जिसमें किसान और यूनियन के अलावा सरकार के बीच कुछ नुमाइंदे रहें और ये क्लियर हो सके कि क्या चाहती है सरकार, क्या चाहते हैं किसान और कितना मुफीद है ये तीनों फार्म बिल। और जिसको पूरी तरह से फार्मर यूनियंस ने इनकार कर दिया, उसको मना कर दिया, उसके बाद अगली बैठक कल होनी है। तो कल होने वाली बैठक के पहले ये सरकार की रणनीति के मद्देनजर एक बेहद अहम बैठक है। जी ब्रिजेश, ब्रिजेश क्या लगता है कल होने वाले बैठक में क्या सरकार किसानों को समझा पाएगी? देखिए, अभी तक सरकार ने 3 बैठकें की हैं किसानों के साथ और तीनों ही बैठकें बेनतीजा निकली हैं। किसान अपने रुख पे कायम है और किसानों ने साफ कर दिया है कि यदि ये तीनों बिल जब तक इसको सरकार वापस नहीं लेती, वो किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे और धरने को जारी रखेंगे। तो इसमें और प्रधानमंत्री ने जिस तरह साफ कर दिया, उन्होंने साफ कर दिया कि कैसे ये जो बिल है ये बेहद अहम बिल है किसानों के खुद के वेलफेयर के लिए। और अब देखना ये है कि क्या किसान, क्या सरकार अपनी जो स्टेटेड पोजीशन है उससे थोड़ा पीछे जाती है और किसानों के रुख को भी सम्मिलित कर पाती है। ब्रिजेश, पीएम मोदी ने खुद कहा है कि एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा, एमएसपी पर कोई बात नहीं की गई, हालांकि इसके बावजूद किसान समझने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, किसानों का कहना है कि यदि सरकार ये कह रही है कि एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा तो सरकार को फिर लिख कर देने में क्या नुकसान है। और सरकार का कहना है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको किसी भी प्रकार से सरकार लेटर पे नहीं डाल सकती, राइटिंग में नहीं दे सकती, जो आज तक नहीं हुआ है। तो जो मेजर जो कंटेंशन है सरकार और किसानों के यूनियन के बीच, वो एक ये बहुत बड़ा कंटेंशन है। चलिए ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।